हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के अंग्रेजी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों द स्विंग। तो जो आपको नई वाली किताब मिली है बच्चों 2024-25 की, वो वाली किताब है ये। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर, बच्चों को हवा में कौन लेके जाता है। तो वो है बच्चों स्विंग, यानी झूला बच्चों को हवा में लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द चाइल्ड सीज रिवर ट्रीज एंड कैटल डैश। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कब देखता है, रिवर्स ट्रीज एंड कैटल। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, व्हेन ही इज़ अप इन द एयर, जब वो हवा में जाता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग। द स्विंग नामक पोएम के पोएट कौन है, तो ये है रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ वाइड। वाइड का हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, तो ये बी वाला हो जाएगा साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट, इनमें से जो ऑड वर्ड है उसे लिखना है। जैसे रिवर, ओशियन, लेक, ये सभी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इन सभी में वाटर होता है, लेकिन ट्री ये ऑड है, ये इनसे अलग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से हमें फिलअप को फिल करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है स्विमिंग इज द डैश थिंग दैट ए चाइल्ड कैन डू। स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आनंददायक है, प्लीजेंटेस्ट थिंग है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आई लुक डाउन ऑन द डैश ग्रीन, तो बच्चे को नीचे की तरफ गार्डन ग्रीन दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्काई इज़ ब्लू द रूफ इज़ डैश, तो स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है, लेकिन जो रूफ यानी छत का कलर कैसा है, ब्राउन है। क्वेश्चन नंबर 9 है द अपोजिट ऑफ नैरो इज़, नैरो का अपोजिट क्या होता है, ये होता है वाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड्स काउ एंड बफेलो इज कॉल्ड, काउ और बफेले जैसे जानवरों को क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है कैटल, यानी मवेशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में, तो ये पोएम आ स्विंग, स्विंग के बारे में यानी झूले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग, तो इस पोएम में सबसे ज़्यादा आनंददायक चीज़ क्या थी एक बच्चे के लिए, तो ये है गो अप इन द स्विंग, झूले पर जाना बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्लीजेंटेस्ट थिंग थी। क्वेश्चन नंबर 13 है द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, रीड एन आउट सेंटेंस चूज नाउन एंड राइट इन द स्पेस गिवन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर जो इसमें से बच्चों नाउन है तो उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो नाउन एक तो चिल्ड्रन है और एक ग्राउंड है, तो चिल्ड्रन एंड ग्राउंड ये दोनों नाउन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द अपोजिट ऑफ डाउन, डाउन का हमें अपोजिट लिखना है, तो डाउन का अपोजिट होता है हाई। अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। तो इसके नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे तो उनके आंसर हमें 1 or 2, 3 लाइन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कलर इज मेंशन फॉर गार्डन एंड इन विच स्टेंजर, तो इसका आंसर लिखेंगे ग्रीन कलर इज मेंशन फॉर गार्डन एंड इट इज़ मेंशन इन थर्ड स्टेंजर। गार्डन के लिए ग्रीन कलर को मेंशन किया गया है और ये थर्ड स्टेंजर में पोएम के आया है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब बच्चा ऊपर हवा में जाता है तो वो क्या क्या देखता है। तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो जब बच्चा हवा में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, जैसे रिवर है, ट्री है, मवेशी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन स्टेंजर 4 कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। तो इसमें पूछा है कि जो वहाँ जो फोर्थ स्टेंजा में दिया है कि जो छतों का कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर है, तो आपकी छत का कलर कैसा है। तो इसका आंसर होगा द कलर ऑफ द
रूफ ऑफ माई हाउस इज वाइट, मेरी छत का कलर कैसा है, वाइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द स्विंग। एक हो जाएगा वॉल, ये इसका राइमिंग वर्ड है ऑल। एक है डाउन, इसका है ब्राउन। ठीक है, इस तरीके से थ्रू राइमिंग वर्ड्स के पेयर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेंज द लाइन्स ऑफ द लास्ट टू स्टेंजा ऑफ द पोएम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइन्स दिए हैं पोएम की, तो उन्हें अरेंज करके लिखना है। तो नीचे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, वैसे ही आप भी लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर पोएम दी है, एक इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके नीचे जो आंसर क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर दिखना है। तो इसे पढ़ लेते हैं। आई हैव अ रैबिट हैबिट, आई लाइक टू क्रंच एंड च्यू ऑन क्लियरली लॉक्स एंड कैरोट स्टिक्स एंड एप्पल्स वेजेस टू। आई हैव अ रैबिट हैबिट, आई लाइक टू कॉम एंड मंच ऑन क्रिस्पी ग्रीन्स एंड जूसी ग्रेप्स मम रैबिट फूड फॉर लंच। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम। तो इस पोएम का सुटेबल टाइटल देना है, तो मैंने यहाँ पर दिया है रैबिट हैबिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन यू लाइक टू ईट निबल लाइक टू रैबिट इट इज़ कॉल्ड। तो जब आप रैबिट की तरह खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाएगा क्रंच एंड च्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। इस पोएम में दो पेयर लिखना है हमें राइमिंग वर्ड्स के, पहला है रैबिट हैबिट, दूसरा है क्रिस्पी एंड जूसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ टू फ्रूट्स गिवन इन द पोएम। तो इस पोएम में जो फ्रूट्स के हमें नेम दिए हैं उनके नेम लिखना है दो कोई भी, तो एक हो गया एप्पल, दूसरा हो गया ग्रेप्स। 5th है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये है एज क्रिस्पी एज चिप्स, मतलब ऐसा कुरकुरा जैसे चिप्स होता है। दूसरा एज जूसी एज मैंगोज, जूस आम की तरह रसीला। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।